तो आज अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिस्टम पैकेज को सारी अपडेट कैसे करें और जो भी बग्स हैं उसको कैसे फिक्स करें, जो इंटरनली रन कर रहा है या कोई भी बग्स आ रहे हैं, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो ये करने से सारे आपके बग्स फिक्स हो जाएंगे और सारे अप टू डेट हो जाएंगे जो भी आपके कंप्यूटर है। तो दो तीन तरीके हैं, तो उसको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखो, मैं जो भी बताता हूँ वो करें और सारे बग्स इससे फिक्स हो जाएगा। और आपके पीसी जो लिनक्स डेस्कटॉप है जो भी, वो बहुत फास्ट काम करने लगेगा। जो जो भी दिक्कत है, जो भी आपको इंटरनली कोई भी इशू हो रहा है या दिक्कत हो रही हो, तो सारे पे फिक्स हो जाएंगे इससे। तो दो चार है स्टेप जिससे आप कर सकते हो फिक्स कर सकते हो जो भी है। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखें और कैसे मैं कर रहा हूँ वो सब पूरा देखें। तो फर्स्ट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मेरा कौन सा वर्जन है लिनक्स का, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए टाइप करते हैं, तो ये देख लेते, मेरे पास लिनक्स मिंट है, तो इसमें आप देख सकते हैं लिनक्स मिंट में। इसमें मैं करके दिखाने वाला हूँ कि सारे वर्क क्या क्या कमांड टर्मिनल पे रन करूंगा जिससे अपडेट हो जाएंगे सारे जो भी इंटरनल पैकेज है और अपडेट है, वो सारे इससे फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट टेस्ट देख के, तो इसके लिए कुछ नहीं, ये तो सिंपल है, आप भी जानते होंगे। सुडो एपीटी अपडेट टाइप करना है, तो इसे नॉर्मल जो अपडेट है उससे जो क्लियर कर देगा, जो छोटा मोटा अपडेट दे दिया था। तो ये नॉर्मली आप यहाँ पे आपको रूट पासवर्ड मांगे, तो रूट पासवर्ड आप डाल दीजिए जो अभी आपका अपना है। तो ये नॉर्मली अपडेट आपको फिक्स करेगा, जो डेली आप लाइफ में आते रहता है अपडेट, जो पीसी में आते रहता है, तो सारे नॉर्मल इससे अपडेट फिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए वीकली करते रहें ताकि कोई भी बॉक्स आपके कंप्यूटर में ना आए और आपका कंप्यूटर जो भी डेस्कटॉप है वह स्मूथली रन करते रहे, तो आपका लिनक्स भी क्रैश ना हो। इससे बचने के लिए ये सुडो एपीटी अपडेट ये करना जरूरी होता है। तो ये वीकली और मंथली दो तीन बार कर दे ताकि ये सारे अपडेट हो जाएंगे। तो मेरा पे नेट इश्यू हो रहा है इसके कारण से शायद, तो ये जल्दी अपडेट नहीं जाए पे तुरंत हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा नेट इशू हो रहा है, इसको छोड़ते हैं, ये कहीं अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट इश्यू हो रहा है जो भी है। देखिए अपना काम करना स्टार्ट कर रहा है बट नेटवर्क इशू हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इसको वेट करते हैं, होल्ड करते हैं, और एक सेकेंड आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। सेकेंड आप यहां से देख सकते हैं, यहां पे सारे अपडेट आ जाते हैं जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो, जो भी आपके सिस्टम में जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके सारे अपडेट यहां पे आ जाते हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि सारे सेलेक्टेड हैं, तो ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे और इंस्टॉल होने के बाद आपको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे मेरे पास 20 अपडेट लेफ्ट है, तो ये 511 MB का है, तो ये जो भी है यहाँ पे आ जाएंगे। तो इससे भी आप अपडेट कर सकते हो जो भी आपका है। तो सिंपल हो गया, या आप यहाँ से वो यहाँ आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हो, जो भी देख सकते हैं अपडेट मैनेजर, अपडेट मैनेजर आप सर्च करोगे जो भी आपका मेनू रहेगा वहाँ पे मेनू बार में ये आ जाएंगे, तो देख सकते हैं। आप फिर से ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है दूसरा इससे आपके सारे जो भी सिस्टम होल सिस्टम डिस्क को सारे अपडेट कर देगा, जो बॉक्स और फेयर कर देगा। ये लास्ट है जो पूरा होल आपको सिस्टम लिनक्स डिस्क सिस्टम को अपडेट कर देगा, जो भी डिस्क इधर आ रहा है, कोई भी टाइप का बॉक्स होगा जो भी आप सिस्टम में होगा ये सारे चेक कर देगा इसको। तो इसके लिए बस टाइप कर रहे हैं, तो ये आपको टाइप करना है सुडो एपीटी डिस्क अपग्रेड, इससे आपका होल सिस्टम फिक्स हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा जो भी बॉक्स है। वो सुडो एपीटी अपडेट से नॉर्मल अपडेट होता है जो डेली लाइफ वो आता, डेली अपडेट आता है जो रहता है उससे है इससे, बट आपका होल सिस्टम अपग्रेड होगा डिस्क से रिलेटेड जो भी बॉक्स है वो फिक्स होगा। तो ये कर दे, ये भी कर दे, मंथली एक बार कर दे ताकि सारे बॉक्स ठीक रहते हैं। फिर पासवर्ड डालने पर जाएगा, फिर आप फिल कर देते हैं जो भी नया है, पासवर्ड रॉन्ग हो गया था।
ये देखिए यहाँ पे अलाउ करने के लिए आएगा, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो ये आपको यहाँ वाई और एन में जवाब देना है, तो आपको करना है तो यहाँ पे आप वो वाई दबाइए, ये ऑटोमेटिक वर्किंग काम करना स्टार्ट कर देगा जो भी आपका टाइम है। देखिए आफ्टर दिस ऑपरेटिंग 610 MB एडिशनल डेटा सेट विल बी यूज, तो 610 MB का मेरा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो जाके इसे, इससे आपका सारा सिस्टम जो भी है आपका बॉक्स एक अपडेट होगा, जो भी आपको चाहिए होगा सिस्टम को वो अपडेट यहाँ पे डायरेक्टली कर देगा, तो ये भी करते रहे और इससे आपका सिस्टम वर्किंग फाइन वो फास्ट काम करेगा जो भी दिक्कत है, तो ये करते रहें और इसको होने देते हैं। और बाकी अपने तो आप देख सकते हैं ये तीन था जो भी बेसिक था ये मैंने बता दिया, इससे आपके सारे अपडेट हो जाएंगे। और नहीं तो आप यहाँ से भी जो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आप यहाँ से सॉफ्टवेयर मैनेजर पे जा सकते हो, ये देखिए मैं ये सॉफ्टवेयर, ये देखिए सॉफ्टवेयर मैनेजर यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजर हो गया, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट का होता है तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना सॉफ्टवेयर मैनेजर हो गया, ये लिनक्स विन का हो गया, लिनक्स का सॉफ्टवेयर मैनेजर हो गया, जो आप यहाँ पे सारे चीज़ मिल जाएंगे आपको, जो भी आपको चाहिए होगा वो सर्च कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये VS कोड हो गया मेरा, जो भी मैं इंस्टॉल करता हूँ ये सारे यहाँ पे इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन पे मिल जाएंगे, जो भी मेरे अंदर इंस्टॉल है सिस्टम टूल्स और यहाँ पे सो इंस्टॉल एप्लीकेशन ये मेरे मिल जाएंगे जो मेरे अंदर इंस्टॉल है, तो वहाँ से आप बैक आ जाते हैं, तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, जो इससे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, जो आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है उससे उस जो अपडेट होगा, तो देख सकते हैं। तो नहीं था आज, तो इस वीडियो के लिए बने रहें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और ताकि ऐसे ही आपके लिए लिनक्स जो भी रिलेटेड वीडियो है बॉक्स से वो भी आपको बताते रहूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है लिनक्स में यूज करने वो जरूर कमेंट करें और मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। और नॉर्मल ये इतना ही था, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।